ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है एमएस पावरपॉइंट 2003। इसमें हम सीखेंगे एमएस पावरपॉइंट स्टार्ट करना और एमएस पावरपॉइंट विंडो का परिचय। एमएस पावरपॉइंट एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम है। इसकी मदद से आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। इसे हम स्लाइड शो के रूप में भी जानते हैं। इसमें टेबल, चार्ट, पिक्चर, वीडियो, साउंड और एनिमेशन जोड़कर आप अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हैं, उसे और आकर्षक बना सकते हैं। जब भी आपका प्रेजेंटेशन या उसका डिज़ाइन तैयार हो जाए तो स्लाइड शो में जो भी आपने टाइप किया हो उसमें अगर कोई गलतियां हैं, स्पेलिंग्स की मिस्टेक हैं, तो उसे आप ग्रामर चेक और स्पेलिंग चेक का प्रयोग करके सही कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं एमएस पावरपॉइंट को स्टार्ट करना। इसके लिए सबसे पहले आप जाएं स्टार्ट पर, वहां क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाकर के यहां पर पहुंचें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। जैसे ही आप यहां जाएंगे तो साइड में एक और मेन्यू खुल जाएगा। यहां पर देखिए आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2003। इस पर आप क्लिक कर दें तो आपकी पावर पॉइंट की विंडो खुल जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि स्टार्ट बटन पर जाकर आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर ये रन का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ जहाँ रन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप टाइप कर दें पावर PNT और फिर ओके कर दें। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो खुल गई। अब ये जो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो आई है, इसका परिचय हम आपको दे दें। सबसे ऊपर ये जो नीली पट्टी नज़र आ रही है जिस पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये है टाइटल बार। इस पर जो भी विंडो खुलती है उसका टाइटल लिखा होता है। उसके नीचे है मेन्यू बार और मेन्यू बार के नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे ये जो है ये कहलाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। इस पर ये अलग अलग बटन्स हैं जिनको क्लिक करके आप अलग अलग ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। नीचे जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी का जो स्क्रीन है दो भागों में बटा हुआ है। एक तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो पट्टा सा वाइट नज़र आ रहा है ये है टैब्स पैन, और बाकी का ये जो हिस्सा है ये है स्लाइड पैन। टैब्स पैन पर आप देखेंगे ये दो टैब्स आपको मिलेंगे, ये है स्लाइड टैब। स्लाइड टैब जब ऑन होगा तो आपको यहाँ पर जो भी स्लाइड आप यहाँ पर बना रहे हैं वो पूरी की पूरी स्लाइड आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम आपको लिख करके बता देते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब यहाँ पर सब टाइटल में हमने डाला स्लाइड टैब। ये देखिए, ये हमारा स्लाइड टैब ऑन है तो ये जो भी मैटर हमने यहाँ पर लिखा है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस मैटर के अलावा इस स्लाइड में एक्चुअली जो भी आप मैटर लिखेंगे या अगर कोई थंबनेल डला हुआ है या कोई पिक्चर डला है, क्लिप आर्ट डला है, यानी जिस रूप में ये स्लाइड यहाँ पर आपको नज़र आ रही है उसी का छोटा रूप आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और वहीं दूसरा जो है आउटलाइन टैब, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पर जो मैटर स्लाइड पर लिखा हुआ है वो टेक्स्ट केवल आपको नजर आएगा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड स्टेप, ये हमने यहाँ स्लाइड पर लिखा था वो कि वो पूरा टेक्स्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो जब आप टेक्स्ट देखना चाहें तो आउटलाइन टैब का उपयोग करें और जब आपको पूरी स्लाइड देखना हो तो स्लाइड स्टेप का उपयोग करें। ये हमको स्लाइड थोड़ी और बड़ी नजर आए इसके लिए हम वापस से स्लाइड स्टेप पर आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये जहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हैं जिसमें हम अभी सबटाइटल लिख रहे हैं और आगे की चीज़ें लिखना चाहते हैं, ये कहलाते हैं टेक्स्ट प्लेसहोल्डर। और ये जो हमारी स्लाइड है, स्लाइड पैन के नीचे जो सफ़ेद पट्टी आपको नज़र आ रही है ये है नोट्स पैन। इसमें आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी नोट्स स्लाइड के बारे में अगर आपको डालना हो तो वो आप डाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, ये आपकी स्लाइड का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जब आप स्लाइड बनाएंगे या स्लाइड प्रेजेंट करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, पर हाँ अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो ये नोट उसमें आपको मिलेगा। ये नोट जो है आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपके खुद के लिए है, वो आपके स्लाइड शो का हिस्सा नहीं होगा। और उसके नीचे ये है
ड्राइंग टूल बार, जिसकी मदद से आप अपनी स्लाइड में कलर भर सकते हैं, क्लिप आर्ट ला सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरह के चेंजेस उसमें कर सकते हैं। और सबसे नीचे ये आपको जो ग्रे पट्टी दिखाई दे रही है, ये है स्टेटस बार। इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि कौन से नंबर की स्लाइड चल रही है, आपने जो डिज़ाइन चूज़ किया है वो कौन सा डिज़ाइन है, और जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं कौन सी लैंग्वेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटस बार से मिल जाती। MS PowerPoint 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा MS PowerPoint स्टार्ट करना और MS PowerPoint विंडो का परिचय।